हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑटोमेट। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई होंगे रिलेटेड टू टाटा पंच, लाइक क्या प्राइजेस होंगी, क्या फीचर्स ऑफर करेगी एंड मोर ओवर इसका लॉन्च कब तक होगा। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस नहीं करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो टाटा पंच एक सब 4 मीटर माइक्रो एसयूवी है जो सीधा कॉम्पीट करेगी मारुति एस्प्रेसो, मारुति इग्निस एंड हुंडई कैस्पर से। टाटा पंच अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और ये वही सेम प्लेटफॉर्म है जिस पर एल्ट्रॉज भी बनी है। और बेसिकली एल्ट्रॉज के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कितनी सेफ कार है। उसने ग्लोबल एनकैप में 5 out of 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, तो सेफ्टी भरपूर आपको इस व्हीकल में भी मिलने वाली है और 5 stars की आप उम्मीद भी कर सकते हो इससे। टाटा पंच के डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो ये कंपनी के इम्पैक्ट डिज़ाइन 2.0 के ऊपर बेस्ड है। जिस प्रकार से आपको हैरियर में स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जो अपर पार्ट है वो DRL होने वाला है और लोअर पार्ट में आपको हाई बीम और लो बीम अवेलेबल कराए गए हैं। जिस वजह से अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो इसमें आपको हैरियर का DNA तो जरूर नजर आएगा। साथ ही LED टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे विद ट्राई एरो डिज़ाइन। इलेक्ट्रिक गाड़ी के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, एक कॉम्पैक्ट सी हैरियर जैसे लग रही है। फ्रंट में आपको रेड विंडशील्ड देखने को मिलेगी, साइड में आपको ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलेगी जो इसे और भी स्पोर्टी लुक दे देती है, प्लस माइनर इसके वजह से आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट भी करेगी। स्क्वायर व्हील आर्चेस भी देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें आपको 15 inches के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे और ऑफकोर्स ये आपको टॉप एंड्स में ही अवेलेबल होंगे। बहुत हो गई एक्सटीरियर्स की बात और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स और फीचर्स की। टाटा पंच के इंटीरियर्स प्रीमियम होने वाले हैं, कैबिन स्पेस अच्छा रहेगा, 7 inch का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स भी ऑफर कर दिए जाएंगे, रियर AC वेंट्स एटसेट्रा जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। और अभी टाटा की गाड़ी है तो इसमें आपको सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS प्लस EVD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको सेम 1.2 लीटर रेवोड्रॉन पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करता है 85 BHP एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। 5-speed गियर बॉक्स मिल जाएगा विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी ऑफर कर दिया जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा 100 BHP। टाटा पंच बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च की जाएगी जिसके थ्रू ये एग्जिस्टिंग हैचबैक को भी कंपटीशन देगी, जैसे मारुति सेलेरियो हो गई, मारुति वैगन आर हो गई और भी काफ़ी गाड़ियों से इसका कड़ा कंपटीशन होने वाला है। और इसके मेन राइवल्स की बात करें तो इसके जो मेन राइवल्स हैं वो होंगे मारुति एस्प्रेसो, मारुति इग्निस एंड हुंडई कैस्पर। तो वैसे जल्दी से बात कर लेते हैं टाटा पंच की प्राइजेस की, तो इसकी प्राइजेस 5.50 to 8.50 lakh rupees होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि इसका लॉन्च कब तक होगा, तो इसका लॉन्च समवेयर अक्टूबर एंड तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पर हमने आपको ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दिए हैं टाटा पंच से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट मिस ना करें। थैंक यू।